नीचे छुप क्यों रहे हो? क्या हुआ? फ्रेंड्स है फ्रेंड्स। वो ग्रीन ड्रेस वाली? अरे हाँ बाबा, तुम सीधी बैठो सीधी बैठो। तुम हमेशा अपने दोस्तों को देखकर टेबल के नीचे छुपते हो। उन्होंने देख लिया ना तो भेजा फ्राई कर देंगे। भेजा फ्राई? तुम दोनों गौतम के दोस्त हो ना? क्या गौतम? एक सेकंड, मैं अभी आया। हाँ गौतम वहीं तो बैठा है। कहाँ है? मम्मी दीदी की बहुत याद आ रही। मम्मी कितने दिनों से उनका चेहरा नहीं देखा। मम्मी दीदी दीदी 100 साल उम्र है आपकी, आपकी बात कर रहा था। मम्मी दीदी से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं होता, भाई की तड़पती याद ने बहन को सामने ले आया। मेरी प्यारी बहना, ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान है। ये मेरी जान है, मेरी दीदी, मेरी बहना। अभी भी बच्चन साहब का दौर गया नहीं है, ओवर एक्टिंग मत कर। तुम मुझ पे शक कर रही हो? यकीन नहीं होता तो माँ से पूछ लो, तुम्हारी बात कर रहा था। वो कौन है? जीजा जी। जानते हो किससे बात कर रहे हैं? किससे? माँ से। मम्मी आपकी और डैड की लव मैरिज थी? चल पागल। शर्माई मतलब पक्का थी। मम्मी प्लीज प्लीज बताओ ना, प्लीज मम्मी बताओ ना प्लीज। ऐसा क्या कर रही हो? बताओ बताओ ना प्लीज। आज इतना मस्का क्यों मार रहा है मुझे? तंग मत करो प्लीज माँ, बताओ ना। हमारी शादी तो अरेंज थी। ओ, उससे पहले कहीं किसी के साथ चक्कर तो होगा? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। अब क्या बताऊं, तुम्हारे डैड मुझे देखने के लिए घर आए थे। एक मिनट, मतलब डैड घर आए, आपने उन्हें शरबत पिलाया और फिर ड्रीम सॉन्ग चालू हो गया, बहारो फूल बरसाओ। ऐसा फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी और सारे गेस्ट को चाय सर्व की थी। डैड पे गिरा है तो नहीं? चल पागल। सुरेश अंकल और तेरे डैड आए थे। ओ, डैड सुरेश अंकल को साथ लेके गए थे? नहीं, सुरेश अंकल डैड को लेकर आए थे। वो क्यों? क्योंकि सुरेश अंकल मुझे देखने आए थे। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, मजा आ रहा है। बताइए बताइए। नाना नानी ने तो मेरी शादी सुरेश से फिक्स की थी। मतलब क्लाइमेक्स से पहले सॉलिड टेंशन, फिर आगे? और सुरेश अपना हर डिसीजन तुम्हारे डैड से पूछ कर लिया करते थे। फिर क्या हुआ? तुम्हारे डैड ने कहा कि लड़की थोड़ी नकचड़ी लगती है, तो हाँ करने से पहले सोच समझ लेना। आप नकचड़ी? हाँ, अरे असली ट्विस्ट इसके बाद है। सुरेश ने मुझे ना कह दिया और तुम्हारे डैड ने मेरा हाथ मांग लिया और हमारी शादी भी हो गई। चालाक सुब्रमण्यम, यू आर अ रॉक स्टार डैड। लेकिन मम्मी आपको ये कैसे पता चला कि यही लड़का आपके लिए परफेक्ट है? क्या बताऊं, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, मुझे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ और उनके लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सच में? पगले, ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जानते हो बेटा तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कब मिलेगा? बताइए ना कब। जब तुम्हारे दिल से आवाज आएगी। So, good night. Bye. अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक्स। वैसे प्लान तो तुम्हारा ही था। नित्या। हाँ मामा, अभी आई 2 मिनट में। गुड इवनिंग अंकल। मैं रोज तुम्हें छोड़ने आता हूँ, इस बात से उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मामा और नाराज? हुँ? बिल्कुल नहीं, मैंने तो बताया तुम गे हो। हाँ फिर ठीक है, क्या बोली? इमेजिन कर रहे हो ना? अरे लॉजिक समझो ना यार, अगर लड़कियों के साथ बाहर जाऊं तो मामा को सिक्योरिटी का डर, और अगर लड़के के साथ जाऊं तो कुछ और ही सोचते हैं। तो मैंने उनसे कह दिया कि तुम गे हो, अब लेट आने की कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड आइडिया ना? सॉरी ना बाबा। संभल कर जाना।
बैग बैग ओ Oh.